नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी पॉपुलर एमपीवी अर्टिगा का सेकंड जनरेशन एडिशन लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग के बाद से ही अर्टिगा लोगों को बेहद पसंद आ रही है। कंपनी अब तक 23,000 से ज्यादा की बुकिंग कर चुकी है। वहीं मारुति अब अर्टिगा का कोर्स वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। नई अर्टिगा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कंपनी रोज 800 अर्टिगा बुक कर रही है। मारुति ने अपने सेकंड जनरेशन अर्टिगा एमपीवी को इस साल 21 नवंबर को भारत में लॉन्च किया था। वहीं लॉन्चिंग के एक महीने के बाद ही अर्टिगा का वेटिंग पीरियड बढ़कर 3 महीने तक पहुंच गया। वहीं कंपनी को उम्मीद है कि 2019 में नई अर्टिगा की डिमांड और बढ़ेगी। वहीं नई अर्टिगा का लुक लोगों को काफी पसंद आएगा। उसके देखते हुए मारुति सुजुकी अब इसका क्रॉस वर्जन भी लॉन्च कर सकती है। माना जा रहा है कि नई अर्टिगा 6 सीटर होगी और ये जून 2019 में लॉन्च हो सकती है। अपने क्रॉस अवतार में अर्टिगा बेहद एग्रेसिव लग रही है। फोटो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मारुति अर्टिगा क्रॉस का स्पोर्टी वर्जन स्टैंडर्ड वर्जन से ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। अर्टिगा का नया अवतार नेक्सा डीलरशिप पर उपलब्ध होगा। हालांकि मारुति ने अर्टिगा के बोल्ड लुक वर्जन में केवल कॉस्मेटिक बदलाव ही किए हैं, इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किए गए। माना जा रहा है कि अर्टिगा क्रॉस ZXi+ मॉडल से ज्यादा महंगी होगी और इसका केवल एक वेरिएंट ही उपलब्ध होगा। मारुति ने अर्टिगा क्रॉस का YHB कोड नेम दिया है और इस मॉडल को पहले इंडोनेशिया में भी शोकेस किया जा चुका है। अर्टिगा क्रॉस की बात करें तो फ्रंट में इसे नए हैंड लैम्प, बोल्ड बम्पर और स्पोर्टी ग्रिल लगाई गई है और वहीं पीछे की तरफ क्रॉसओवर थीम पर इसमें टेलगेट नया बम्पर फोकस स्किड प्लेट लगाया गया है। अर्टिगा क्रॉस में 1.5 लीटर का 15B पेट्रोल इंजन लगा है, जो 104.7 PS की अधिकतम पावर और 138 Nm का जबरदस्त टॉर्क देता है। साथ ही इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा ऑटोमेटिक 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है। फिलहाल अर्टिगा की एक्स शोरूम में 7.44 लाख रुपए से लेकर 10.90 लाख रुपए तक की कीमत है। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।